अब आते हैं, इसमें पढ़ते हैं विद्यालय और समाज, मतलब दोनों में क्या संबंध है, दोनों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसमें हम सर्वप्रथम जानेंगे विद्यालय और समाज में संबंध। सबसे पहले हमने इसका चर्चा करेंगे। देखिए, चाहे सरकार द्वारा स्थापित विद्यालय हो, मतलब सरकारी विद्यालय हो, या निजी क्षेत्र में स्थापित कोई भी विद्यालय हो, वह अपना कार्य तब तक पूरा नहीं कर सकता है जब तक कि विद्यालय को समाज से सहयोग प्राप्त नहीं हो। विद्यालयों को समाज से आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता होती है, और विद्यालय और समाज के सामंजस्य से ही बच्चे अच्छे आचरण की शिक्षा ग्रहण करने में सफल होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि विद्यालय और समाज के संबंध में, कि विद्यालय को चाहे वह किसी भी क्षेत्र का, चाहे निजी क्षेत्र का हो या वह सरकारी क्षेत्र का, उसे समाज से आवश्यकता सदैव रहती है। समाज की सदैव आवश्यकता विद्यालय को बनती रहती है। अगर समाज का सहयोग नहीं मिलेगा तो विद्यालय अपना कार्य कुशलतापूर्वक नहीं कर पाएगा। इसके अतिरिक्त विद्यालयों को समाज से आर्थिक सहयोग की भी जरूरत होती है, जिसे समाज समय समय पर पूरा करता है, और इसके बदले में विद्यालय समाज के बच्चे को अच्छे आचरण की शिक्षा प्रदान करता है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब इसमें विद्यालय और समाज में अच्छा और सामंजस्यपूर्ण संबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है, इसको हम जानेंगे, और इसको जानेंगे विभिन्न पॉइंट वाइज। तो आइए हम इसको पहले शुरू करते हैं, जिसका पहला पॉइंट है स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति। सबसे पहले हम इस पॉइंट को जानते हैं कि देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्रीय भारत में शिक्षा का पाठ्यक्रम लचीली बनाई जाती है। लचीली का मतलब है कि जैसी उसमें जब आवश्यकता हो, समाज के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। उसको लिख देते हैं, पाठ्यक्रम लचीली बनाई जाती है। लचीली का मतलब आपने समझ लिया कि जब जहां जैसी आवश्यकता हो, उसके अनुसार हम उसमें परिवर्तन कर सके। उसमें कुछ उद्योगों, कैसे उद्योग जो स्थानीय होते हैं खासतौर से, उसमें कुछ उद्योगों और क्रियाओं का चयन स्थानीय आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है, कि प्रत्येक क्षेत्र के कुछ न कुछ अपने क्रिया होते हैं, कार्य करने की शैली होती है, या फिर कुछ लघु या कुटीर उद्योग स्थापित होते हैं। तो पाठ्यक्रमों के अनुसार जिस क्षेत्र के लिए में शिक्षा दी जानी है, वहां के पाठ्यक्रमों में उस क्षेत्र का कुछ न कुछ क्रिया और उद्योगों का उसमें समावेश अवश्य किया जाता है। अनुसार कुछ स्थानीय उद्योगों एवं क्रियाओं
जो भी स्थानीय आवश्यकता है उसके अनुसार क्रिया और पाठ्यक्रम को शामिल किया जा सकता है और विद्यालयों को सामाजिक मांगों के अनुसार ही इनका चयन करना चाहिए। जैसी सामाजिक मांग है उसके अनुसार ही वह क्रिया या फिर स्थानीय सामाजिक क्रिया हो या फिर स्थानीय उद्योग हो उसका चयन करना चाहिए, तभी विद्यालय और समाज एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं। विद्यालय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम में क्रियाओं और उद्योगों को शामिल करना चाहिए, तभी समाज को विज्ञान एक दूसरे के मतलब जैसी समाज की आवश्यकता है, जो उद्योग स्थानीय स्तर पर चलता है, जो क्रियाएं स्थानीय स्तर पर होती है, उसी को विद्यालय को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, आते दूसरे पॉइंट, दूसरा पॉइंट है देखिए क्या होता है कि प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ विशेषज्ञ लोग होते हैं, मतलब विशेष दक्षता रखने वाले लोग होते हैं और लगभग या प्रायः सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम पाठ्य विषय एवं क्रियाओं से संबंधित ज्ञान एवं दक्षता रखने वाले सदस्य शामिल जो कि समाज के ही होते हैं, स्थानीय समाज के होते हैं। क्या मैंने कहा कि प्रायः सभी विद्यालय, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि विद्यालय में एक समिति का गठन होता है जिसमें स्थानीय लोगों को शामिल किया जाता है, तो उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है कि जो पाठ्य विषय एवं क्रियाओं से संबंधित ज्ञान एवं दक्षता रखने वाले सदस्य होते हैं। विद्यालय को चाहिए कि समय समय पर इन्हें अपने विद्यालय में आमंत्रित करें, इनके व्याख्यान कराने चाहिए, इससे समाज तथा विद्यालय का संबंध मजबूत होगा। तो हम इसको लिख देते हैं, प्रायः सभी विद्यालयों में पाठ विषय या क्रियाओं से संबंधित ज्ञान रखने वाले सदस्य होते हैं। विद्यालय को
समय समय पर उन्हें आमंत्रित करके इनके व्याख्या करने चाहिए। इससे विद्यालय का समाज का संबंध मजबूत। ये था दूसरा पॉइंट। अब इस पर आइए आगे बढ़ते हैं। इसका जो तीसरा पॉइंट है वह है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहयोग। तीसरा जो पॉइंट है वह है पाठ्य सहगामी क्या होता है कि प्रत्येक समाज में कुछ खेल कूद में अनुभवी लोग होते हैं, या फिर साहित्य या सांस्कृतिक कार्यक्रम में दक्षता और रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं। विद्यालय को चाहिए कि इन्हें अपनी समितियों का सदस्य बनाए, इन्हें सम्मान देकर के इनकी योग्यता और दक्षता का लाभ उठाए। इससे विद्यालय और समाज का संबंध मजबूत होगा। समाज में खेलकूद में के क्षेत्र में खेलकूद क्षेत्र में दक्षता में अनुभव, खेलकूद के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्ति तथा कुछ व्यक्ति साहित्यिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में दक्षता या रुचि रखते हैं। विद्यालय को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को अपने समितियों का सदस्य बनाकर उनकी योग्यता का इससे विद्यालय तथा समाज का संबंध मजबूत। ये था आपका तीसरा पॉइंट कि जब पाठ्य सहगामी क्रिया जो भी होती है में सहयोग लेना है किसके, जो समाज में दक्षता पूर्ण व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है, चाहे वह खेलकूद के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो
या सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, ऐसे अनुभवी दक्ष लोगों को का को विद्यालय आपको अपनी समितियों का सदस्य बनाना चाहिए और इनका सम्मान देकर इनकी योग्यता का लाभ उठाना चाहिए। जब ऐसे सम्मानित लोग, दक्षता प्राप्त लोग, अनुभवी लोग विद्यालय समिति का सदस्य बनेंगे और वहां अपने अनुभव, अपनी दक्षता का लाभ छात्रों को देंगे, तो इससे समाज का विश्वास विद्यालय पर बढ़ेगा और विद्यालय तथा समाज के संबंध मजबूत होंगे। तो ये था तीसरा पॉइंट, पाठ सहगामी क्रियाओं में सहयोग। अब हम इसके अगले क्लास में अगले पॉइंट की चर्चा करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट बाकी रह गया है, दो तीन पॉइंट, उसको अगर आगे देखेंगे उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, फिर अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे।